हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं JSP एंड सर्वलेट सीरीज़। और पिछले सेशन में हमने थ्योरी पार्ट देखा था लॉगिन का। आज हम देखेंगे लॉगिन को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और सेशन के बारे में देखेंगे सेशन का कैसे लॉगिन में यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा एक प्रीवियस फॉर्म था, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इसमें इसकी जो एक्शन इसको लिख लेता हूँ लॉगिन। देन यहाँ पर हम लेते हैं ID टेक्स्ट और यहाँ पर मैं लेता हूँ पासवर्ड और यहाँ पर भी मैं सेम इसका पासवर्ड ले लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को पहले रन करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी हम अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा लॉगिन पेज आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन के लिए कोड लिखेंगे। कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सर्वलेट क्रिएट करेंगे रिस्पॉन्स के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सर्वलेट। और सर्वलेट में आपको चेक करना सेम पैकेज में होना चाहिए। देन क्या करना है, क्लास नेम। तो यहाँ पर मैं इस सर्वलेट क्लास का नाम दूंगा लॉगिन। तो यहाँ पर मैं दूंगा लॉगिन। देन नेक्स्ट, और आपको रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट है वो सेम रखनी है। यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट से लॉगिन, तो आप अदरवाइज अगर डिफरेंट हो तो आपको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया। देन यहाँ पर मैं गेट मेथड लूँगा, ये मैंने गेट मेथड ले ली। अब हम क्या करते हैं, फ़िलहाल इन चीज़ों को हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू गेट करेंगे। तो वैल्यू गेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्ट्रिंग ID इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और यहाँ पर हम लेंगे ID। सिमिलरली हम पासवर्ड भी गेट करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे, हम रिडायरेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सिंपली हम क्या करेंगे, रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पर हम लेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट होने के लिए हम यहाँ पर एक JSP पेज क्रिएट करेंगे और पेज का मैं नाम दूंगा होम पेज। यहाँ पर मैं दूंगा home.jsp सिंपली। तो यहाँ पर हम एक पेज क्रिएट करेंगे, यहाँ पर मैं एक पेज क्रिएट करूँगा JSP का और सिंपली हम इसका नाम देंगे होम। और इसमें मैं कुछ प्रिंट करवा लेता हूँ, होम पेज। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि हम होम पेज पे सिंपली रीडायरेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। सबमिट बटन के एक्शन पे, जब भी हम सबमिट बटन करेंगे ये रीडायरेक्ट होगा हमारा JSP पेज पर। और यहाँ पर सिंपली हम सबमिट करते हैं तो ये हमारा होम पेज पर रीडायरेक्ट। अभी तक हमने क्या किया था, क्रेडेंशियल को क्रेडेंशियल चेक नहीं किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडेंशियल चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे इफ ID डॉट इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं कुछ क्रेडेंशियल दे देता हूँ हार्ड कोडेड। मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड भी चेक कर लेता हूँ। एंड इफ पासवर्ड डॉट इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो ये रिडायरेक्ट हो किस पर, होम पेज पर। अदरवाइज यहाँ पर क्या, हमें
मिले एल्स, और ये किस पे रिडायरेक्ट हो जाए, हमारा जो डिस्प्ले पेज है जहाँ पर लॉगिन, तो यहाँ पर डिस्प्ले पेज पर रिडायरेक्ट हो। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा क्रेडेंशियल सही से चेक हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं सिंपली अभी मेरी एग्जैक्ट जो है वो डालता हूँ, वो अरविंद 1234, ये हमारा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ रॉन्ग का पासवर्ड डाल देता हूँ, तो ये सेम पेज पर है। मींस अब हम क्या करेंगे, सपोज मेरे पास 10 पेज है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक 10 पेज से पहले मुझे क्या करेगा, लॉगिन फॉर्म जनरेट करना पड़ेगा। तो उस का एक सॉल्यूशन ये है कि मैं क्या करूं, मैं जब भी इसको लॉगिन करूं, मेरे क्रेडेंशियल है, मेरा यूज़र आईडी या पासवर्ड, मैं क्या कर दूं, एक सेशन के अंदर डाल दूं, और जब भी मैं सेशन को डालूं, मैं हर पेज पे सेशन को कंपेयर कर लूं, सेशन में डेटा है या नहीं। अगर उसमें डेटा है मीन्स यूज़र लॉगिन है, और अगर वो सेशन नल है मीन्स यूज़र लॉगिन नहीं है, तो उसको रिडायरेक्ट करें हम लॉगिन पेज पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस लॉगिन पेज पर हम यूज़ करेंगे सेशन, तो यहाँ पर हम लेंगे HTTP सेशन, HTTP सेशन, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सेशन डॉट, और यहाँ पर हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, एंड सेशन मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो सेशन में वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मैं डालता हूँ यूज़र नेम, यहाँ पर सिंपली मैं आईडी डाल लेता हूँ, और यहाँ पर मैं डालता हूँ आईडी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आईडी को गेट करेंगे, गेट करने के लिए सिंपली हम क्या करें, होम पेज पर, तो यहाँ पर हम लेते हैं सिंपली आईडी गेट करते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं इफ़ चेक करते हैं, इफ़ सेशन, ये सेशन हमारा क्या है, इम्प्लिसिटी ऑब्जेक्ट है, सेशन गेट पैरामीटर, सॉरी गेट एट्रीब्यूट, और वो अगर जो एट्रीब्यूट आईडी है, और यहाँ पर हम लेंगे गेट एट्रीब्यूट इक्वल्स टू नल, मीन्स ये क्या है हमारा, अगर ये नल है मीन्स क्या है, यूज़र लॉगिन नहीं, तो इसको हमको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, और रीडायरेक्ट कहाँ करना पड़ेगा, हमारे लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पर हम लेंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और इसको हम रीडायरेक्ट करेंगे हमारे डिस्प्ले डॉट JSP पर। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे हमारे यूज़र का नेम, तो यहाँ पर हम लेंगे वेलकम, देन यहाँ पर हमारा यूज़र नेम, तो यहाँ पर हम लेंगे डॉलर आईडी। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डालता हूँ अरविंद, देन 1234, ये आप देख सकते हैं हमारा वेलकम अरविंद प्रिंट हो चुका है। तो ये क्या होगा, इसने सबसे पहले इसने गेट किया यहाँ पर क्रेडेंशियल को, और ये देखा है नल नहीं है, मीन्स यूज़र क्या लॉगिन है, तो उस लॉगिन उसकी आईडी प्रिंट करवा दी। तो ये था हमारा लॉगिन, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि यूज़र लॉगआउट कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।